हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं राहुल सिंह, राहुल वाई फाइव टीवी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज आपके समक्ष एक ब्रेकिंग न्यूज लेकर के हम आपके समक्ष हाजिर हो चुके हैं। जी हाँ, विधान भवन रक्षक व वन रक्षक लिखित परीक्षा के संबंध में कि आपकी माइनस मार्किंग है या माइनस मार्किंग नहीं है, और उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती जो कि आपका 51,216 पोस्ट पर होना था, उसके भी संबंध में आपका एप्लीकेशन स्टार्ट कब से होगा और कौन करवाएगा उसके बारे में पूरी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। उससे पहले हम चाहेंगे हमारे चैनल पर जो हमारे मित्रगण पहली बार आए हैं, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बगल में लगे बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आने वाली हर छोटी बड़ी सूचनाएं जो कि उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग के संबंध में हो, यूपी पुलिस के संबंध में हो, SSC, बैंक, रेलवे, अदर एंड कोई कम्पिटेटिव एग्जाम के संबंध में हो, आप तक हम पहुँचा सकें। ठीक है मित्रों, तो बढ़ते हैं, पहले हम देख लेते हैं आपका जो अध्यक्ष सेवा चयन आयोग से जो विधान भवन रक्षक की भर्ती है उसके संबंध में माइनस मार्किंग के संबंध में क्या अभी सूचना मिल रही है, हम पूरे पूरी जानकारी लेते हैं उसके संबंध में। बढ़ते हैं सीधे सूचना की तरफ हम लोग अब। जी हाँ मित्रों, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर है, विधान भवन रक्षक व वन रक्षक की लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं। इसकी वजह क्या है कि माइनस मार्किंग नहीं है? जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जितने भी एग्जाम आपके इधर हुए हैं UPSSC के, सब में माइनस मार्किंग था। आखिरकार क्या वजह है कि विधान भवन रक्षक में आपके जो है माइनस मार्किंग नहीं है, पूरी पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। देखिए, विधान भवन रक्षक और वन रक्षक के पदों पर चयन लिखित परीक्षा व इंटरव्यू के जरिए होगा। लिखित परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं होगी। यह परीक्षा आपकी 2 दिसंबर को प्रस्तावित है। ठीक है मित्रों, उत्तर प्रदेश अध्यक्ष सेवा चयन आयोग ने विधान भवन रक्षक व वन रक्षक के 664 पदों पर चयन के लिए परीक्षा योजना व पाठ्यक्रम अपनी वेबसाइट पर नए सिरे से जारी किए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, हमने पिछले वीडियो में आपको पूरा पूरा सिलेबस इसके संबंध में आपको बताया था। इसके मुताबिक लिखित परीक्षा आपका MCQ जो हमने पिछले वीडियो में आपको बता चुका है, प्रत्येक प्रश्न आपका 1 अंक का होगा। प्रथम चरण में लिखित परीक्षा होगी जो 2 घंटे की होगी, प्रश्न पत्र 3 हिस्से में होगा। हम इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी आपको दे चुके हैं। आपका 180 मार्क का जो है रिटर्न एग्जाम होगा और 20 अंकों का क्या होगा, आपका इंटरव्यू होगा। आयोग के चेयरमैन मिस्टर CV पालीवाल ने बताया कि यह विज्ञापन पूर्व में प्रकाशित हुआ था और उसमें माइनस मार्किंग की बात नहीं की गई थी, इसलिए लिखित परीक्षा में आपकी माइनस मार्किंग नहीं होगी। ये बड़ी खबर है आपके लिए कि ये पूर्ववर्ती सरकार के समय काल में जो वैकेंसी आई हुई थी, तो इस वजह के नाते जो है इसमें माइनस मार्किंग का जो ही कोई प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि इसका जो है विज्ञापन पिछले जो है पूर्ववर्ती सरकार के नियमानुसार हुआ था। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब से हमारी ये नई सरकार आई है, वर्तमान सरकार जो है ये जो है इसमें इंटरव्यू भी खत्म कर दिया गया है, और लगातार जितने भी UPSSC के फॉर्म आ रहे हैं आप देख रहे होंगे, सब में माइनस मार्किंग की प्रावधान है। तो ये वजह है कि इसमें पूर्ववर्ती सरकार की वैकेंसी होने के वजह के नाते जो इसमें माइनस मार्किंग आपका नहीं है। तो ये थी खबर जो है विधान भवन रक्षक के बारे में। अब हम सीधे पढ़ लेते हैं 51,216 पुलिस भर्ती फॉर्म जो आपका कब से स्टार्ट होगा उसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं हम लोग। अब मित्रों, जो आपका 51,216 पुलिस भर्ती के संबंध में है, पूरी पूरी जानकारी हम लेते हैं। अब देखते हैं क्या वजह है, और आपका फॉर्म अभी रुका पड़ा है, और ये फॉर्म जो है आपका NIC ही भरवाएगा या फिर कोई प्राइवेट एजेंसी भराएगी, इसके संबंध में जानकारी लेते हैं हम लोग। जी हाँ मित्रों, देख सकते हैं आप, फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी भी निजी कंपनी को देने की तैयारी। अभी ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन जो है पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड ये विचार कर रही है कि फॉर्म भरवाने की जो जिम्मेदारी है वो निजी कंपनी को दे दी जाए। पूरी पूरी खबर लेते हैं हम लोग। प्रदेश में 56,000 पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए फॉर्म भरवाने की जिम्मेदारी भी निजी कंपनियों के हाथों में देने की तैयारी की जा रही है। भर्ती बोर्ड इस पर गंभीरता से विचार कर रहा है। गृह विभाग के प्रमुख सचिव मिस्टर अरविंद कुमार और DGP ओम प्रकाश सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन पदों पर भर्ती के लिए घोषणा की थी। जी हां, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 1 नवंबर से इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे, लेकिन NIC के सॉफ्टवेयर में टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते अब तक फॉर्म की प्रक्रिया भरने की अभी शुरू नहीं हो सके। सूत्रों का कहना है कि अब फॉर्म भरवाने के लिए भी निजी कंपनियों को सहारा लिया जा सकता है, ताकि इस प्रक्रिया में तेजी ला आ सके। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसका डेट भी जो एग्ज़ाम का डेट भी जनवरी में आपका प्रस्तावित है, तय समय पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। सूत्रों का कहना है कि परीक्षा कराने के साथ फॉर्म भरवाने के लिए भर्ती बोर्ड ने भी निविदाएं आमंत्रित की हैं। माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। जी हाँ, दिवाली के बाद इस पर डिसीजन आ जाएगा कि आपका कब से स्टार्ट होगा। बता दें कि 18 अक्टूबर को प्रमुख सचिव
गिरी श्री अरविंद कुमार और डीजीपी ओपी सिंह ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी अनाउंसमेंट की थी कि 1 नवंबर से 56,000 से अधिक पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। इसमें 51,216 पद सिपाहियों को होंगे, जबकि 3,638 पद जेल बंदी रक्षक और 1,924 पद आपके फायरमैन के होंगे। तो ये थी खबर मित्रों, आपके बारे में पूरी पूरी जानकारी हमने दी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के संबंध में मित्रों। तो ठीक है, इस संबंध में हमें कोई और खबर मिलती है कि आपकी फॉर्म जो है NIC भरवाएगी या फिर कोई प्राइवेट कंपनी भरवाएगी, उसके संबंध में पूरी पूरी जानकारी आपको देंगे। और ये निश्चित ही आप मान के चलिए आपका 15 के पहले पहले, जी हाँ 15 नवंबर के पहले पहले आपका एप्लीकेशन ये स्टार्ट होने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो ठीक है मित्रों, ये थी बड़ी खबर हमने आप तक पहुँचाने की कोशिश की है। अगर ये खबर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।